असलकम नाजरीन जिनके सर पर दुपट्टा होना चाहिए वो नंगे सर खड़ी हैं ये मजमून एक यहूदी नौजवान का है गौर से समात फरमाए मैं यहूदी हूँ और अपने यहूदी होने पर फख्र करता हूँ जबकि तुम अब मुसलमान कहलाते हुए शर्माते हो जबकि आज दुनिया में हमारी हुकूमत है तुमने देखा देखा है हमने तुम्हारे साथ क्या किया हम तुम्हारी सड़कों पे फिरे तो हमें तुम्हारा हाल पसंद नहीं आया तो पता है हमने क्या किया बहुत आसानी से तुम्हारी लड़कियों के सरों से हिजाब उतरवा दिया दूसरे तरीकों से कुरान भी बुलवा दिया तुम लोगों के पास अपना लिबास भेजा अपने बाजारों को देखो सारे अरिया लिबास की नुमाइश गहें और तुम्हारी तहजीब का लिबास तुम्हारे बाजारों में ढूंढे नहीं मिलता और मजे बात यह है कि तुमने सब कबूल कर लिया क्या तुमको नहीं मालूम कि यही हाल कौमलूत का था कितने बेवकूफ़ हो तुम कि कहते रहते हो यहूदियों ने हमारी जमीन छीन ली कुरान और सुन्नत को ख़त्म करवा दिया तुम कहाँ मर गए हो कुछ क्यों नहीं करते सड़कों पर तुम्हारी लड़कियाँ ऐसे लिबास में घूम रही है कि नाम को लिबास है पहले हमने तुम्हारी औरतों का हिजाब उतारा फिर चादरें फिर दुपट्टा फिर लिबास चुस्त किया शलवारें ऊंची की अब शलवार की जगह टाइट्स पहना दिया हमने उन्हें बाज़ारों और रास्तों में बरहना कर दिया अब वो हमारा बनाया हुआ लिबास फ़खर से पहनती है और तुम्हारा लिबास पहनते हुए उन्हें शर्म आती है क्या का ख़ैज़ बात है तुम्हारा हाल बहुत बुरा हो गया हमें तुम लोगों की तालीम में तरक्की पसंद न आई तो हमने तुम्हारा निसाब बदलवा दिया और तुम्हारे टेलीविजन को दिल्लत अमेज़ प्रोग्रामों में और शर्मनाक ड्रामों में बदल दिया तुम्हें और तुम्हारे उलमा को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर है हमने तुम्हारे नौजवानों को पटका दिया एक दौर था कि तुम एक पकीजा और गालिब उम्मत थे आज तुम जिल्लत की पस्तियों में उतर गए हो बेचारे हमने महसूस किया कि तुम लोगों की जबान अरबी बहुत खूबसूरत है जिससे तुम कुरान पढ़ते हो और अहले जन्नत भी यही जबान होगी तो हमने तुम्हारी ज़बान को बेफायदा और फजूल करार दिया और तुम लोगों ने फ़ौरन यकीन कर लिया फिर तुम दूसरी ज़बान पर फ़ख़र करने लगे हाय बाय हेलो मिर्सी पर स्टेज वग़ैरह वग़ैरह और तुमने अपने दुआया ख़ ख़ूबसूरत कलमा अल्लामको छोड़ कर इन्हीं का इस्तेमाल शुरू कर दिया और हम तुम्हें इसी तरह पसंद करते हैं और हमें यह भी पसंद नहीं आया कि तुम लोगों को मुतहद देखें तो हमने तुम्हारी मस्जिदों को उड़ा दिया और इल्जाम भी तुम पर ही लगाया इससे तुम्हारे दरमियान बहमी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हमने तुम्हारे दिन का गहराई से मुताला किया और छोटे फतवों के जरिए तुम्हें तुम्हारी राह से हटा दिया हमने तुम्हारे दरम्यान नफरत और फसाद की आग बड़काई जो तब तक नहीं बुझेगी जब तक कि तुम सबको जला कर राख न कर दे तुम्हारे घर वाले अब जदीद मशीनी इजादात के जेर साया परवरिश पाते हैं हमने तरह तरह की कंप्यूटर गेम्स इजाद की जिनमें खोकर तुम कुरान को भूल गए अपने उलमा को भूल गए मुसलमान साइंसदानों और उनके कारनामों को भूल गए तुम्हारी नई नस्ल ऐसी नस्ल है जो हक बात कहते हुए डरती है हम यहूदी को इस बात पर फख्र करते हैं कि तादाद में इस कदर थोड़े होने के बावजूद हमने तुम्हें बहुत आसानी से गोश्त के टुकड़ों की मानद खरीद दिया और तुम्हें इसका कोई मलाल नहीं तुम खुश हो मस्त हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ये एक समक अबोज वीडियो थी आपके लिए